क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आपका सेट सी है और पिछले वीडियो में अपन ने सेट ए और बी देख लिया। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना। बेहतरीन बेहतरीन से अपन प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बेहतरीन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए, जिस तरह हिंदी और संस्कृत में आपको टॉपर बनाया है। रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, भरोसा करो, मैथ्स का आप भली आके मिलान करना, पूरा 100% श्योर है इसी में से आएगा, क्योंकि मैंने उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिस तरह इन बच्चों ने परसेंटेज बनाई है, आप भी बनाओगे, ये गारंटी है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। माइनस दो और पांच के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो कितनी होगी, तीन होगी। जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबरी पे 0, a2x b2y plus c2 equal 0 का हल कौन सा होगा। देखो जब ऐसी स्थिति रहती ना तो एकाधिपति हल होता है, यहाँ पर लिखा है a1 by a2 is not equal to रहता b1 by b2। ऐसी कंडीशन रहेगी जब बराबर रहेंगे तीनों तो अनंत अनेक हल होंगे, और ऐसी कंडीशन रहती जब कोई भी हल नहीं होता है। यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई कि 20 करने तीन गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 30 डिग्री होगा। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबरी पे हो गया कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ये यहाँ पर है, एल इक्वल है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ए यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो घटना घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव, असंभव को अपन कहेंगे शून्य, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका सही विकल्प का छठा है, इसमें आपका ठीक है प्रोबेबिलिटी शून्य आ जाएगी। कोई संख्या पी बटा क्यू जहां पी एवं क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। क्या कहलाती है भैया, परिमेय संख्या, ठीक है। वर्ग समीकरण x² प्लस bx प्लस c में जो विविक्त कर है वो विविक्त कर होता है d इक्वल b² माइनस 4ac, ठीक है। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो ये आपका फिलिंदा ब्लैंक्स हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ठीक है भैया, ये हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, है सही जोड़ी है, ठीक है भैया। यहाँ से थोड़ा सा मन बढ़िया से खास खास चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, कोई किसी के रियल के बेकाव में मत आओ, कोसी के पास भी रियल पेपर नहीं है, सारी चीज़ें फर्जी लोग बता रहे हैं आपको, मैं आपको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा है ना ये एक मॉडल पेपर है, ठीक है भैया। धन पूर्णांक कहा जाएगा प्राकृत संख्या है, विविक्त कर क्या है ऋणात्मक, विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित होंगे। a2 13 है, a4 3 है तो इसका क्या आ जाएगा तीसरे का d = -5, sec² - 1 तो ये चौथे का आपका जाएगा tan θ, sin² θ + cos² θ, sin² + cos² θ तो ये पांचवे का जाएगा आपका यहाँ से 1, 1 tan² θ / 1 cot² θ, तो इसका सॉल्यूशन करके मैंने यहाँ पर सामने लिख भी दिया, tan² θ आ जाएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने पूरा भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, बस यही हमारा
उद्देश्य है, है ना। इसके बाद में यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। सत्य सत्य है, देखो समांतर श्रेणी का किन्हीं भी दो पदों का अंतर सर्वांतर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी दो पद नहीं, अगले पद से एक निश्चित अंतर होगा, है ना। देखो चार में से दो घटाएंगे दो आएगा, छह में से चार घटाओगे दो आएगा, आठ में से दो घटाओगे तो आठ में छह घटाओगे तो दो आएगा, ठीक है भैया। पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि छह में से दो घटा दो कितना जाए चार, तो ये संभव नहीं है, है ना। आठ में से यहाँ से दो घटा दो कितना बचा, छः बच गया, तो ये संभव नहीं, कहीं भी दो पदों का अंतर नहीं कहलाएगा। हाँ उसके अगले पद से क्रम बाय क्रम, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सर्वांतर। ये तो सर्वांतर तो दो हो गया, लेकिन अपन इनको क्रम बाय क्रम के अनुसार ही लिख सकते थे, इसलिए ये बोल रहा है कि भी दो पद नहीं भैया, उसके एक निश्चित क्रम का अंतर कहलाएगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य है। यहाँ से अपन इसको बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी पर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस तंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, सत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर सात आने की प्रायिकता शून्य होती है। यहाँ से अपन ये कर सकते कंप्लीट इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर छः से, तो ये क्वेश्चन नंबर छः से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 70% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार टेंथ में, आपको हर बार लगता है ऐसा ना, मैंने संस्कृत में भी आपको छः पेपर प्रोवाइड कराए थे, जिस बच्चे ने वास्तव में देखो देखो यार एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो ऐसा ना। हाँ पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है, परसेंटेज मनानी है, तो चार पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना, इसके अलावा अपन ने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सिद्धि कीजिए करनी पाँच एक अपरिमेय संख्या है, सिद्धि कीजिए करनी तीन करनी पाँच एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया ये, ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद यू स्क्वायर माइनस प्लस करने में तीन यू माइनस पंद्रह के शून्य ज्ञात कीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, यहाँ से देख सकते हैं हो गया। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, हो गया भाई यू। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका थोड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 ये 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया इतना। इसके बाद यहाँ से ये हो गया इतना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई यू। क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका थुआ 22 और ये यहाँ से आपका 22 का थुआ है,